हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जाएंगे रोटी इजी तरीके से, मेरे मेथड से, जो मुझे भी नहीं आता था गूंदने, तो मैं भी इसी तरीके से गूंदती थी। तो पहले मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, आटा ले रही हूँ। आटा लेने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के रफली गूंद के साइड में रखते जाऊँगी इस तरीके से। ये जो साइड्स में लगा हुआ है उसको भी मैंने गूंद लिया है। गूंदने के बाद ये थोड़ा पूरा जो है वो रिमूव करके एक उसे भी एक छोटा सा डो बना लूँगी। जो हमने वो डो थोड़ा थोड़ा जो रफली किया था उसको थोड़ा स्मूथ रफ करेंगे। और मैंने आटे को दो बॉल्स में डिवाइड कर लिया था। फर्स्ट बॉल तो हमारा हो चुका है, ये हमारा सेकेंड बॉल है जिसे मैं गूंद रही हूँ रफली। जो हमारा बचा कुचा आटा था मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ऑयल, तेल, यानी कि तेल। तेल डालने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों बॉल्स को एक ही साथ भून लेंगे। इसे क्लीन से गूंदने के बाद ये एक स्मूथ डो में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने के बाद आपको क्या करना है, इसे नॉर्मली रख देना है थोड़ी देर के लिए, यानी कि हाफ एन आवर के लिए। मैंने यहाँ पे ग्राइंड पे थोड़ा मैदा डाला है। मैदा डालने के बाद इसको तीन हिस्से में डिवाइड किया है। करने के बाद एक हिस्से को लेकर हम एक राउंड शेप बना लेंगे। राउंड एक डो बनाने के बाद इसे बेल लेंगे। भिलने के बाद हमने यहाँ पर तेल डाला है। तेल डालने के बाद इसे स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। मुझे थोड़ा कम लगा इसलिए मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। और इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ऐसे दो दो को मिक्स करके एक एक पेड़ा बना लेना अपने वाले साइज में। मैंने यहाँ पर इसी तरह पेड़े बना कर रख लिया है। इसके बाद मैंने तवा रखा है हीट के लिए और एक लूँगी पेड़ा और इसे ट्राई कर रही हूँ राउंड बनाने के लिए। मुझे भी परफेक्ट राउंड बनाना नहीं आता, बट अगर आपको भी मेरी तरह परफेक्ट राउंड बनाना नहीं आता तो एक राउंड ऐसे ही बेलिए। बेले बाद इस पर एक प्लेट रखिए आपके साइज़ की, आपको जो साइज़ पसंद हो वो साइज़ की एक प्लेट रखिए। प्लेट रखने के बाद आपको कुछ इस तरह से कट करना पड़ेगा जो मैं करती हूँ। कट करने के बाद ये आपको सेम सर्कल शेप में आएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल।